ना फटे विवाही, वो क्या जाने फिर पड़ाई। मतलब सिर्फ हम दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं सिर्फ देखकर इतना कि हाँ उसके पैर फट गए हैं, उसका खून निकल रहा है, वो पीड़ा में होगा। लेकिन जो वास्तविक पीड़ा है वो उसी व्यक्ति को होगी जिसके पैर की विवाही फटी है। हम 22 दिन लगातार गोरखपुर सलाखों के बीच में रहे, किस तरह की मानसिकता के कैदी होंगे आप समझ सकते हैं। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल, किसी ने 5 मर्डर किए, किसी ने 10 मर्डर किए, कोई न जाने क्या क्राइम करके है। और लगातार 22 दिन तक किसी भी व्यक्ति ने ना तो मिलने का प्रयास किया, ना ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये लोग सलाखों के पीछे क्यों गए। क्या वो लोग बहुजन समाज का हिस्सा नहीं थे? क्या वो लोग बहुजन समाज से आने वाले नहीं थे? क्या वो लोग अम्बेडकरवादी नहीं थे? और कुछ गिने चुने चैनलों ने अगर चर्चा भी की उस आंदोलन को लेकर, तो वहां पर जो ये 5 लोग दिल्ली से थे, मनोज अंतानी जी, संतोष जी, रमेश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, नीलम बोस जी, 5ों में से एक का भी नाम किसी मीडिया वाले ने नहीं लिया, तो बताइए ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इस तरह के आंदोलनों को मजबूती मिलेगी। व्यवस्था के तहत आज जो चीजें देश में घटित हो रही हैं, सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंबेडकरवादी लोग उन्हें कभी भी पसंद नहीं आते। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, क्योंकि पीड़ा होती है, और पीड़ा इस बात की होती है कि जिसके ऊपर घास गिरती है सिर्फ वही बोलता है, वही चिल्लाता है। अभी जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण जी का भी प्रकरण आप सबने देखा, आखिर प्रोफेसर लक्ष्मण जी का क्या गुनाह था? सिर्फ गुनाह उनका वो था कि वो उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर बोलते थे जो व्यवस्था लगातार इस देश के 90% लोगों को शोषित कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उनके हक अधिकार छीन रही है, उनके बच्चों से शिक्षा छीन रही है। और अगर प्रोफेसर लक्ष्मण इसके लिए आवाज उठाते थे तो बताओ क्या गलत करते थे, क्या कसूर था, क्या आवाज उठाने की सजा उनको मिली? अगर आवाज उठाने की सजा ऐसे ही लगातार मिलती रहेगी ना, और ये बहुजन समाज साथ नहीं आएगा ना, तो साथियों एक दिन वो आएगा कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अब जब इस बहुजन समाज ने ना अपनी ताकत को समझ लिया, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप इस देश की सत्ता पर राज करेंगे और किसी मनुवादी प्रिंसिपल की ताकत नहीं होगी कि प्रोफेसर रितु जैसे, लक्ष्मण जैसे, मतलब तमाम बहुजन समाज से आने वाले प्रोफेसरों को बाहर का रास्ता दिखा सके। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। हम तो हमेशा से संघर्षों से भरे रहे हैं, क्योंकि हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जिसके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, वो व्यक्ति तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए घर से बाहर निकल आता है, वो सड़कों पर उतर आता है, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करता है, और इसलिए भी करता है ताकि जो घटनाक्रम आज मेरे साथ में हुआ है वो मेरे समाज के अन्य किसी व्यक्ति, भाई या बहन के साथ में ना हो। लेकिन विडंबना है कि जो तमाम बहुजन समाज के नेता कहे जाते हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन के हो या सामाजिक संगठन के हो या फिर राजनीतिक संगठन के हो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज लोग सिर्फ अपने संगठनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु पिछले 100 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रही है, आज ये गाज उनके ऊपर गिरी, हो सकता है आने वाले भविष्य में उनके बच्चे भी लाइन में हो। और जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था के तहत आज जो चीजें देश में घटित हो रही हैं, सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंबेडकरवादी लोग उन्हें कभी भी पसंद नहीं आते। यहाँ पर आपके बीच में 3 पत्रकार अभी ऐसे बैठे हैं जो पिछले महीने 22 दिन योगी सरकार की तानाशाही के चलते गोरखपुर जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहकर आए हैं। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जो पत्रकार अंदर सलाखों के पीछे ये उम्मीद लगा रहे थे कि तमाम बहुजन समाज के नेता, बुद्धिजीवी लोग उनके लिए बाहर आवाज उठा रहे होंगे, लेकिन जब वो लोग जेल से आए तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने आप को समाज का हितैषी कहने वाले लोग, अपने आप को अंबेडकरवादी कहने वाले लोग, अपने आप को बहुजन समाज का नेता कहने वाले लोग, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दुख होता है ये देखकर, क्योंकि आज हम समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आज हम सिर्फ और सिर्फ मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में जिस तरह से प्रेम्बल लिखा, पहला ही जो शब्द लिखा है उसमें हम, लेकिन हम
समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो हम क्या है। और यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो तीन लोग कौन थे। वैसे दिल्ली से 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, गोरखपुर में एक आंदोलन चल रहा था, उसमें 4 पत्रकार थे और एक दिल्ली के अधिवक्ता थे, जिसमें पत्रकार के रूप में मनोज अंतानी जी, संतोष जी, मैं खुद और मेरे जीवन साथी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी और एक रमेश जी, ये 5 लोग 22 दिन तक लगातार योगी की तानाशाही के चलते गोरखपुर सलाखों के पीछे रहकर आए। लेकिन दुख हुआ कि समाज के एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने उन लोगों के लिए ना कोई आंदोलन चलाया, ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह से उनको कवरेज देने का काम किया गया, और छोटी मोटी धारा में नहीं 307 में। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग आज इस देश की आवाम की आवाज बन रहे हैं, जो मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज उस पर भी किस तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हथकंडे डाल रखे हैं। और आप देख रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि जब रितु जी यहाँ पर आंदोलन पर बैठी, उस समय मैं उत्तराखंड में थी, मुझे पता चला, मैं रात को ही अगले दिन यहाँ पर 1 बजे मैं पहुंची, मैंने 1 बजे पूरा लाइव किया, इनका इंटरव्यू किया, और उसके बाद लगातार बीच में भी हम आते रहे, लगातार जैसे भी रहा सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके पेज के माध्यम से भी हमने वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और अपने एनबी न्यूज के चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन दुख इसी बात का होता है कि गाज एक पर गिरती है तो एक ही चिल्लाता है, और एक कहावत भी हमने सुनी है कि जिसके पैर ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मतलब सिर्फ हम दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं सिर्फ देखकर इतना कि हाँ उसके पैर फट गए हैं, उसका खून निकल रहा है, वो पीड़ा में होगा, लेकिन जो वास्तविक पीड़ा है वो उसी व्यक्ति को होगी जिसके पैर की विवाई फटी है। हम 22 दिन लगातार गोरखपुर सलाखों के बीच में रहे, किस तरह की मानसिकता के कैदी होंगे आप समझ सकते हैं। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल, किसी ने 5 मर्डर किए, किसी ने 10 मर्डर किए, कोई न जाने क्या क्राइम करके है, और लगातार 22 दिन तक किसी भी व्यक्ति ने ना तो मिलने का प्रयास किया, ना ही ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये लोग सलाखों के पीछे क्यों गए। क्या वो लोग बहुजन समाज का हिस्सा नहीं थे? क्या वो लोग बहुजन समाज से आने वाले नहीं थे? क्या वो लोग अंबेडकरवादी नहीं थे? और कुछ गिने चुने चैनलों ने अगर चर्चा भी की उस आंदोलन को लेकर, तो वहां पर जो ये 5 लोग दिल्ली से थे, मनोज अंतानी जी, संतोष जी, रमेश जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, नीलम बोस जी, 5ों में से एक का भी नाम किसी मीडिया वाले ने नहीं लिया, तो बताइए ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इस तरह के आंदोलनों को मजबूती मिलेगी, बताइए मुझे। क्योंकि ये लोग लगातार देखते हैं कि बहुजन समाज संख्या में 90% होने के बावजूद भी ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। आज 10% लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपके हाथों से नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो बताइए हम कैसे आज कह सकते हैं कि संविधान सुरक्षित है, या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, या हमारी नौकरियां सुरक्षित हैं? आखिर हम इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं? मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, क्योंकि पीड़ा होती है, और पीड़ा इस बात की होती है कि जिसके ऊपर गाज गिरती है सिर्फ वही बोलता है, वही चिल्लाता है। कि अगर आप सही रूप में समाज की पीड़ा को नहीं समझ सकते, अपने महान पुरुषों के आंदोलन को नहीं समझ सकते, तो ये फूल मालाएं चढ़ाना बाबा साहब पर बंद कर दीजिए, उनके सामने मोमबत्तियां जलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप उनके विचारों को मनोसात करके आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक आप कितने भी इंडिया मनाते रहे, कितने भी परिनिर्वाण दिवस मनाते रहे, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और अपनी बात को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मानता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।